सो हेलो 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 गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल. दिस इज माई योर सिमरन एंड वेलकम बैक टू योर चैनल. सो टूडेज वीडियो इज ऑल अबाउट पर्पल हॉल. सो मैं आज आपके सामने चीपेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम पर्पल और पर्पल हॉल, लाइक मिनी पर्पल हॉल शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ. मेरे पास ये डब्बा, ऐसे मेरे पास तीन डब्बे रिसीव हुए हैं पर्पल से, और मेरे पास अभी एक ही है क्योंकि मैंने सारा शिफ्ट कर दिया. और बस हाँ, जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आप लोगों को अभी दिखाने वाली हूँ सारे बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा लाइक पॉकेट फ्रेंडली हैं. और जिनका मैं ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगा, कौन सा प्रोडक्ट नहीं अच्छा लगा, ऑल ऑफ दिस. सो विदाउट वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो आई स्टार्ट विथ सम स्किन केयर. तो मैं पहले आपको स्किन केयर बताऊंगी, उसके बाद लाइक मेकअप और जो जो भी है मेरे पास. तो फर्स्ट आई टॉक अबाउट द स्किन केयर. तो स्किन केयर में सबसे पहले हम लोग फेस वॉश करते हैं. फॉर फेस वॉश आई ऑर्डर दिस वन. दिस इज़ फ्रॉम गुड वाइब्स का एक्टिवेटेड चारकोल फेस वॉश डीप क्लीनिंग. और इसकी जो MRP है वो 195 रुपीज़ है. ये मुझे सेल में आई थिंक 100 रुपीज़ या 95 रुपीज़ में मिल जाएगा. सो मैं यहाँ पे सेल प्राइस और यहाँ पे लाइक ओरिजिनल प्राइस मेंशन कर दूँगी. सो और इसको मैंने अभी भी यूज़ नहीं किया, आप जैसे देख ही सकते हैं. अभी तक मैंने इसको लाइक खोला भी नहीं क्योंकि मैं ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ कुछ और. और आई एम गोइंग टू गिव यू पीपल आर एम्प्टी वीडियो बिकॉज आई सॉ सो मैनी यूट्यूबर्स, उनके जो एम्प्टीज वीडियोज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं. सो नाउ आई ऑल्सो प्लान कि मेरे जितने भी एम्प्टीज वीडियो है, लाइक एम्प्टीज लाइक प्रोडक्ट्स हैं, उनका मैं एक मिला जुला के मतलब वीडियो बनाऊँ. सो मूव ऑन टू टूडेज वीडियो. सो दिस फेस वॉश इज़ गुड. एंड अगर आपको इसका रिव्यू चाहिए तो मेरे चैनल, मेरा इंस्टाग्राम, आप इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं. मैं उसमें छोटा मोटा अपडेट देती रहती हूँ. एंड आफ्टर फेस वॉश आई ऑर्डर अगेन दिस वन. दिस इज़ अगेन फ्रॉम गुड वाइब्स. ये गुड वाइब्स का ग्रीन टी टोनर है और इसकी MRP भी 195 रुपीज़ है. और उसमें आपको कितना ml का प्रोडक्ट मिलता है, लेट मी सी. हाँ, आपको 120 ml का प्रोडक्ट मिलता है. और आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छा लाइक है क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी एक बार यूज़ कर लिया है, तो मुझे डिस्क्रिप्शन पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है. एंड आप इस, ये एक्चुअली एक प्रॉब्लम देता है, अवॉइड योर आईज. लाइक आप इस एरिया को क्लोज करके स्प्रे करना और स्प्रे थोड़े से डिस्टेंस में करना. एंड हाँ, और ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत अच्छा है, बट इसमें एक ही इश्यूज़ है कि ये मेरी स्किन को थोड़ा सा बर्न करता है. बट एक्सेप्ट दैट आई लव दिस प्रोडक्ट, सो आई रिपर्चेज दिस वन. और ये भी आई थिंक एम्प्टीज वीडियो में आ रहा है, तो उसमें मैं इसका डिटेल्स रिव्यू दूंगी आप लोगों को. सो नेक्स्ट व्हाट आई हैव, नेक्स्ट आई हैव दिस वन. और ये मैंने अभी नहीं ऑर्डर किया, ये मेरे पास बहुत टाइम से है क्योंकि मैंने आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा कि मैं हमेशा इसके बारे में बात करती हूँ. ये अभी थोड़ा ख़त्म भी हो गया है, मैं हमेशा इसके बारे में बात करती हूँ. तो दिस इज़ फ्रॉम गुड वाइब्स अगेन. सो दिस इज़ गुड वाइब्स का ऑरेंज जेल. ये 10 ग्राम का है और 100 ग्राम का है, सॉरी. और इसकी प्राइस 215 रुपीज़ है. और इसमें आपको अच्छा खासा लाइक ये बड़ा सा टब मिल जाता है और प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है. सो लाइक मैं इसको रिकमेंड पक्का वाला करूँगी क्योंकि ये जो है ये ऑरेंज जेल है. और जो मतलब लेमन, लाइक वी कैन अप्लाई लेमन डायरेक्टली ऑन आवर फेस. जो विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, लैक्टिक एसिड होता है लेमन में, बट लेमन ना बहुत सारी स्किन को हार्म कर देता है. सो ऑरेंज में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप ऑरेंज को ले सकते हैं. वो बहुत ज़्यादा जेंटल होता है आपकी स्किन पे. उसको आप लाइक फेस वॉश के बाद, अगर आप टोनर वगैरह कुछ नहीं यूज़ करना चाहते हो तो आप एक जेल यूज़ कर लो. एंड यू कैन यूज़ दिस जेल ऑल्सो, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है. सो बस इतना ही, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी. एंड आई एम नॉट दैट मच गुड विथ लाइक प्रोडक्ट एक्सप्लेनिंग, क्योंकि मैं अगर एक्सप्लेन करना चले जाती हूँ तो लाइक चली ही जाती हूँ. सो मूव ऑन टू दिस. दिस इज फ्रॉम, दिस इज नाइट क्रीम. इसका जो सील है वो इधर है, इसीलिए मुझे दिख नहीं रहा. लेट मी ओपन दिस वन. ये आम गुडनेस का है और इसकी MRP 99 रुपीज़ में है. आई थिंक ये मुझे 2 का पैक मिला है. मैं मतलब मेरा और एक इस टाइप का मेरे पास है, वो मेरे लाइक कबर्ड में मतलब नीचे रखा हुआ है मेरे ड्रेसिंग टेबल में. और ये अभी सील है, सो आई एम नॉट गोइंग टू ओपन दिस वन क्योंकि मेरे पास और एक है. सो आपको अगर इसका भी रिव्यू चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम में जाके फॉलो कर देना. फॉलो करोगे तो ही आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे. मैं कितनी लालची हो गई हूँ, बट थोड़ा बहुत लालची होना पड़ता है. सो आई थिंक स्किन केयर में और कुछ है. हाँ, स्किन केयर में आई हैव मोर टू प्रोडक्ट्स, और नॉट टू लाइक थ्री फोर
अच्छा है, बस 4 प्रोडक्ट्स आई थिंक। और आई ऑर्डर्ड वन दैट वादी का जो एक बॉक्स मिला है मुझे, राइट नाउ आई डोंट हैव दैट, बट अगर मेरे पास किधर होगा तो आई विल शो यू पीपल। सो फर्स्ट आई टॉक अबाउट दिस स्क्रब। और ये भी मैंने बहुत टाइम पहले ही लिया है, बट ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। बट प्रॉब्लम एक ही है इसमें कि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े से हार्श हैं, लाइक थोड़े से लाइक बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, और इसीलिए मुझे ये इतना, मतलब ये ऑब्वियसली स्किन को डीप क्लीनिंग करता है, मॉइस्चराइज है, सब कुछ है, इसको लाइक डार्क लाइक जो ब्लैक हेड्स रिमूव करता है कि नहीं आई डोंट नो, डेड सेल रिमूव करता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हार्श पार्टिकल है। और ये अगर आप बॉडी पे स्क्रब करना चाहते हो सो यू कैन यूज़ दिस फॉर योर बॉडी। ये बॉडी को बहुत अच्छे से पॉलिश करेगा, बहुत अच्छे से करेगा। बट इसमें एक ही लाइक फेस में आप इसको अवॉइड ही करो, बिकॉज आई यूज़ दिस वन फॉर माई बॉडी। मैं इसको अपने फेस पे लाइक मैंने इसको फेस के लिए ही लिया था, बट वंस और ट्वाइस आई यूज़, और मैं जब भी इसको यूज़ करती हूँ उसके बाद मुझे बहुत लाइक मतलब मॉइस्चराइज तो ऑब्वियसली फील होता है स्किन पे, बट मॉइस्चराइज के साथ साथ मतलब लगता है कि मैंने अपने फेस पे कुछ घस लिया है, और इसके पार्टिकल्स जो है वो बहुत ज़्यादा है, लाइक बहुत ज़्यादा हार्श है। सो यू कैन यूज़ दिस वन फॉर योर बॉडी, और आप बॉडी पॉलिशिंग के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हो। सो फॉर नेक्स्ट स्किन केयर, आई हैव दिस फ्रॉम अगेन एवर यूथ। ये एवर यूथ का प्योर एंड लाइट है, ये टैन रिमूविंग फेस पैक है फॉर फेस एंड बॉडी। इसको आप फेस एंड बॉडी दोनों में लगा सकते हैं, और ये उनका न्यू वेरियंट लॉन्च हुआ है, और मैं सबका प्राइस मैंने जैसे कहा वो मेंशन कर दूंगी। और ये चॉकलेट भी है इसमें, और ये टैन रिमूव करने के लिए मैंने इसको अभी भी एक बार भी यूज़ नहीं किया है। इवन वंस माई मॉम फर्स्ट एंड शी ट्राइड एनी फेस पैक, और ये उसने मतलब मेरी मॉम ने यूज़ किया है। कैमरा फोकस कर पा रहा है कि नहीं पता नहीं, बट इसकी जो पैकेजिंग है वो बहुत ज़्यादा लग्जूरियस है। ये जो लाइक रोज़ गोल्ड काइंड ऑफ कैप है इसका, ये भी बहुत अच्छा है, एंड मैं इसको निकालूंगी नहीं, बट आई शो यू लाइक हाउ द प्रोडक्ट है। ये कुछ इस टाइप का है, ये थोड़ा लाइक वो चॉकलेट लाइक नॉट डार्क वाला, एकदम लाइट वाला, जो मड मड टाइप का जो नहीं होता उसी टाइप का है ये। इसके अंदर क्रीम मिलता है आप लोगों को, सॉरी फेस पैक मिलता है आप लोगों को। सो नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट अगेन आम गुडनेस। तो ये भी मैंने पहले ही लिया था, बट मैंने सोचा कि इस वीडियो में मुझे इंक्लूड करना चाहिए। एंड ये आम गुडनेस का सैंडलवुड फेस क्रीम है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, खासकर ऑयली स्किन के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं इसका और एक टब लून टब नहीं जो भी है इसका जो बड़ा वाला आता है आई एम गोइंग टू बाई दैट। सो नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट सीरम। तो मेरे पास ये विटामिन सी एंड ई सीरम है, और ये भी फ्रॉम गुड वाइब्स। गुड वाइब्स के प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होते हैं, इसलिए वो मेरे पास है क्योंकि मैं गरीब हूँ। सो ऑब्वियसली मैं गरीब हूँ, मजाक नहीं कर रही, इसीलिए मैं बोल रही हूँ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमाऊँ। ऐसा कुछ नहीं है, इफ़ यू लाइक माई कॉन्टेंट देन ओनली सब्सक्राइब, बट सब्सक्राइब कर दो फ्री में हो जाता है। सो या सो टॉकिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट, तो ये छोटू सा पैकेट है, और ये कितने एम एल का है, लेट्स सी, ये तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा। हाँ ये 10 ml का है, इसकी प्राइस आई थिंक 200 के अराउंड, इसकी जो प्राइसिंग है वो 200 के अराउंड ही है, मुझे अच्छे से याद नहीं है, आई थिंक ये 200 के अराउंड है। बट इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि ये बहुत ज़्यादा स्टिकी लगता है मेरे स्किन पे, एज यू पीपल कैन नो, लाइक कैन नो ऑब्वियसली पीपल नो इफ़ यू आर फॉलोइंग मी फॉर सो लॉन्ग देन यू मस्ट नोइंग दिस, कि मेरा स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है। मैं लाइक टन टन ऑयल मेरा स्किन प्रोड्यूस करता है बहुत ज़्यादा, और मेरे स्किन पे हमेशा वो चिप 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 रहता ही है। सो आई प्रिफर लाइक जेल काइंड ऑफ मॉइस्चराइजर, और जो बहुत ज़्यादा लाइट हो उस टाइप का मॉइस्चराइजर आई प्रिफर। बजा लो अभी बजा लो। मैंने शायद इतने सारे प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर लिए इसीलिए मुझे गुड वाइब्स ने एक पैकेट भी फ्री दिया है, लाइक ये है क्या बोलते उसको, टेस्टर। आई टोल्ड यू ना मैं बहुत गलत हूँ इन सब चीज़ों में। यू नो वन थिंग, मैं अगर कुछ एक्सप्लेन करूँगी तो मैं एक्सप्लेन करूँगी उसी प्रोडक्ट के बारे में, लाइक आई टेल अबाउट द प्रोडक्ट हाउ दिस दैट एंड ऑल, सब कुछ मैं अच्छे से बोलूँगी प्रोडक्ट के बारे में, बट मैं प्रोडक्ट का नाम ही गलत ले लेती हूँ। आप मेरे वीडियोज़ को जाके देख सकते हैं, मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में ऐसा किया है। सो ये रोज एसेंस है सीरम, ये 1 ml है सीरम, और ये टेस्टर है, इसमें प्राइस वगैरह कुछ नहीं निकला, तो मैं इसको भी ट्राई करके देखूंगी ये कैसा रहता है मेरी स्किन पे। एंड ये भी उन्होंने दिया है आल्फ गुडनेस का, क्या है ये लोशन है, बॉडी लोशन, इसका बड़ा भी पैकेजिंग आता है,
मैं इन सब चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी अगर मुझे सब चीज़ मिलेगा तो। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, लिटरली बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। सो नाउ आई विल मूव ऑन टू सम मेकअप प्रोडक्ट, और नहीं आई विल टॉक अबाउट वन मोर क्यूट दिस क्यूटी। सो ये जो है ये ब्लू हेवन का लिप बाम है, और ये लाइक मैंने इसको बहुत सारे यूट्यूबर्स को सब लाइक रिकमेंड करते हुए सुना था। सो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना ले ही लूँ, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है और ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज है। इफ़ यू आर अप्लाइंग एनी टाइप ऑफ लाइक लिक्विड लिपस्टिक ऑन योर लिप्स, सो आप जब मेकअप करते हो तब इसको आप जस्ट लगा कर रख लेना, उसके बाद आप जब लिपस्टिक लगाते हो तब लाइक चाहे वो कितना ही मैट हो लिपस्टिक, चाहे वो कितना भी मैट हो, बट आपकी स्किन लाइक आपकी जो लिप्स है वो बिल्कुल भी ड्राई नहीं लगेगी, वो बिल्कुल मॉइस्चराइज मॉइस्चराइज लगेगी। क्योंकि मैंने इसको लाइक आई थिंक इसका जो MRP है वो बस 85 रुपीज़ है, बट आपको पर्पल में ऑब्वियसली ऑफ मिल ही जाता है, ये भी कोई नई बात नहीं है, आपको ये पर्पल से ऑफ में मिल जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा क्यूट है, पॉकेट फ्रेंडली है, ट्रैवल फ्रेंडली है। मैं तो इसको लाइक मुझे ये इतना भी क्यूट लग रहा है कि मैं इसको सब जगह लेके जाती हूँ जहाँ भी मैं जाऊँ। सो आई थिंक स्किन केयर कम्प्लीट हो गया, नाउ आई विल मूव ऑन टू सम मेकअप। सो फॉर मेकअप आई हैव दिस टेक वर्की का फाउंडेशन शेड एंड एवरीथिंग आई विल मेंशन या स्क्रीन पे या फिर डिस्क्रिप्शन में, यू कैन चेक आउट। सो बात करते हैं इस मॉइस्चराइजर के बारे में, सो मेरे लाइक आप मे बी इससे जो मेरा पहला वीडियो आएगा इससे पहले आई थिंक वो चीपेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम पर्पल आई थिंक वही है, तो उसमें मैंने इसको यूज़ किया है एंड आई लाइक गेव माई ऑनेस्ट रिव्यू टू यू पीपल ऑन दैट वीडियो, आप वो देख सकते हैं। बट मैं फिर भी मैं आप लोगों का भी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। ये जो बॉटल आप देख रहे हैं, आप अगर सोच रहे हैं इसको आप लेने का तो बिल्कुल मत सोचो, क्योंकि ये इतना ज़्यादा रनी है, बहुत ज़्यादा रनी है, बहुत लाइक मैंने इसको उस दिन फर्स्ट टाइम यूज़ किया था, उसके बाद मैंने 2-3 बार यूज़ करने का ट्राई किया, बट ये कुछ काम नहीं करता आपकी स्किन पे, कुछ भी नहीं। लाइक एक BBCC क्रीम भी आपके स्किन को थोड़ा सा इन्हेंस करती है, थोड़ा सा लाइक थोड़ा सा कलर देती है, थोड़ा सा लाइक लगता है कि हाँ हमने कुछ लगाया है। बट दिस प्रोडक्ट इज़ लाइक टोटली वेस्ट, और आई वॉज टू एक्साइटेड टू ट्राई दिस प्रोडक्ट स्पेशली क्योंकि इसमें 7 शेड्स है आई थिंक, और इन दिस प्राइस रेंज में आई थिंक इसका जो प्राइस है वो 165 रुपीज़ है, आई थिंक मुझे ये 100 रुपीज़ में मिल गया था, सेल था उस टाइम इसीलिए। और ये बिल्कुल लाइक वेस्ट, इफ़ यू आर थिंकिंग टू बाई दिस प्रोडक्ट अच्छे से देख लो तो प्लीज़ डोंट बाई इट, क्योंकि आप बस अपना पैसे वेस्ट करोगे। दिस इज एंड आई एम सो डिसअपॉइंटेड अबाउट दिस टेक वर्की, एंड ये मुझे जब मिला था तो ये इधर उधर से लीकेज भी होके था, तो आई एम नॉट गोइंग टू रिकमेंड दिस वन। सो नेक्स्ट इज दिस कंसीलर, दिस इज कंसीलर ने फाउंडेशन कंसीलर है, स्टिक है, और इसकी MRP 115 रुपीज़ है, 150 रुपीज़ में आपको 4.5 ग्राम का प्रोडक्ट मिलता है, और इसका पैकेजिंग भी बहुत ज़्यादा लाइक क्लासी रॉयल टाइप ऑफ है। और ये लाइक जो थोड़े महंगे महंगे प्रोडक्ट्स नहीं आते, थोड़े लग्जूरियस टाइप ऑफ प्रोडक्ट, उनकी पैकेजिंग कुछ इस टाइप की रहती है, बट NYBA ने बहुत अच्छा काम किया है। इवन मैंने NYBA के 2-3 चीज़ें यूज़ किए हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, एंड इस पैकेजिंग के अंदर से ये निकल के आता है, एंड दिस इज़ अ कंसीलर, और ये कंसीलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा, ये बिल्कुल फट से देखिए स्किन पे लग गया। और ये लाइक ऑब्वियसली कंसीलर है तो थोड़ा सा टाइम लगता है इसको ये करने में, लाइक ब्लेंड करने में, बट आप अगर अच्छे से करोगे तो ये बहुत ईजीली ब्लेंड हो जाएगा। और सी, और ये जब आप अप्लाई करते हो अपनी स्किन पे तो आपको वो थोड़ा सा जो ब्राइटनिंग इफेक्ट चाहिए। लाइक आई सॉ सो मेनी कंसीलर जिसमें क्या बोलते हैं उसको, लाइक बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, बट लाइक जो परफेक्ट कवरेज होता है वो नहीं देता, बट दिस कंसीलर इज़ गिविंग दैट सेम कवरेज फॉर मी। सी आई एम नॉट अ लाइक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, मुझे जो थोड़ा बहुत नेट में देख के यूट्यूबर्स को, जो ब्यूटी यूट्यूबर्स हैं या फिर श्रेया जैन है, बहुत लोग हैं, उन सभी को देख के मैंने थोड़ा बहुत मेकअप सीखा है, वो भी मुझे अभी तक नहीं आता, थोड़ा बहुत ही आता है। सो इस कंसीलर के बाद हम लोग अपने फेस को सेट करते हैं। सो फॉर सेटिंग आवर फेस आई हैव दिस कॉम्प लाइक वॉट लूज पाउडर फ्रॉम ब्लू हेवन ऑब्वियसली, और इसमें इसका प्राइस 125 रुपीज़ है, मुझे याद है, क्योंकि 125 में इतना ज़्यादा क्वान्टिटी, इतना अच्छा क्वालिटी, और ये मेरा शेड नेचुरल है, आई मीन द शेड नेचुरल। सो ये लॉन्ग स्टे ऑब्वियसली करता है, ये बिल्कुल आपको वो मैट वाला फिनिश देता है,
और इसके साथ आपको ये भी मिलता है, आई डोंट नो व्हाट दिस कॉल्ड, और सी मैं इसको अच्छे से, इवन इसका स्मेल भी है, इसका स्मेल थोड़ा उस टाइप का है, हाउ टू टेल, जो बचपन में मम्मी हमें वो लगाती नहीं थी पाउडर, उस टाइप, बिल्कुल उस टाइप का स्मेल है, और इसका स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छा है, ऐसे नहीं कि बहुत स्ट्रांग है या फिर केमिकल ही टाइप का स्मेल है, नहीं ये बहुत ज़्यादा अच्छा, लाइक बहुत ज़्यादा अच्छा स्मेल लाइक है इसका, और बस इतना ही, और मैं ज़्यादा बोलूँगी तो बोलते रह जाऊँगी। सो क्या हो गया उसके बाद, क्या हो गया उसके बाद, आई टॉक अबाउट दिस ब्लश, दिस इज अगेन फ्रॉम ब्लू हेवन। मुझे इस ब्लश से एक ही इशू है कि ये मुझे अलग कलर में मिल गया, मुझे चाहिए था इसका जो वो पिंक कलर का नहीं मिलता, मेंशन वन पिक ओवर, उस कलर मतलब वो मुझे चाहिए था, बट मुझे ये मिल गया, बट ये मुझे मिल गया, आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड, लिटिल आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड, क्योंकि ये मेरे स्किन पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ऐसी, लाइक मुझे लगा था कि मुझे वो शेप ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है मेरी स्किन टोन को, बट नो, लाइक ये मुझे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ऐसे नहीं कि वो चटक सा पूरा वो रेड रेड लाइक एप्पल जैसे चीक्स लगते हैं बिल्कुल यहाँ पे दो दो रेड रेड, वैसा नहीं है, ये बहुत ज़्यादा सटल डिसेंट सा लाइक ब्लश है, बहुत अच्छे से लाइक स्प्रेड होता है, बहुत अच्छे से अप्लाई होता है, राइट नाउ आई अप्लाई दिस ब्लश ओनली, सो या एंड मेरे पास इसे और भी ज़्यादा एक्साइटिंग प्रोडक्ट है अभी, और वो ये है स्टेक वर्क की, मुझे तो स्टेक वर्क ही ने एक बार डिसअपॉइंट कर ही दिया, एंड पता नहीं ये इसने बट मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया, दिस इज़ देयर कंसीलर स्टिक, मैंने इसको डार्क शेड में इसीलिए लिया है क्योंकि आई कैन यूज़ दिस एज माय कंटोर, और मुझे कंटोरिंग नहीं आती जैसे आपको पता ही है, और ये 99 रुपीज़ में इतना सारा प्रोडक्ट देता है, आई थिंक ये मुझे बहुत दिन तक रह जाएगा, बहुत दिन तक रह जाएगा, आई थिंक ये मुझे बहुत दिन तक लॉन्ग लास्ट करेगा, और इसकी प्राइस 99 रुपीज़ ही है, ज़्यादा प्राइजी भी नहीं है, और ये लाइक टुडे ऑल्सो आई कॉन्टोर विद दिस ओनली एंड यू कैन सी, ये बहुत अच्छा सा लाइक क्रीमी बेस है एंड अच्छे से होता है, और इफ़ यू आर ऑयली स्किन टाइप तो ऐसे नहीं कि आप क्रीम प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर सकते, ऑब्वियसली यू कैन यूज़ एनी टाइप ऑफ क्रीम प्रोडक्ट जो आपको सूट करे, जो आपको अच्छा लगे, इवन आई हैव मोर टू प्रोडक्ट्स, और मेरे पैर दुख गए हैं बात करते करते, लेट मी एडजस्ट वन वंस फर्स्ट, सो आई हैव दिस टू पेंसिल, दिस इज़ फ्रॉम NYBAE, ये NYBAE का लॉन्ग आई लाइनर है, बट ऑब्वियसली लॉन्ग लाइनर नहीं है, नहीं लॉन्ग लैंड है, सॉरी मेरा पढ़ाई है, मैंने पढ़ाई नहीं किया था, और ये गोल्डन शेड में है, एंड दिस इज़ वाइट, बट दिस इज़ नॉट वाइट, दिस इज़ सिल्वर, आई विल गिव यू पीपल अ स्वॉच, और ये आप ये जो है ये बहुत अच्छे से लाइक लग जाता है, बहुत अच्छे से लग, ऑब्वियसली बहुत अच्छे से लगता है क्या क्या बोलते हैं, आई फॉरगॉट, और दोनों ही सेम ब्रांड के हैं, दोनों ही NYBAE हैं, नहीं दोनों ही हाँ NYBAE ही हैं, एंड इसका जो पिगमेंटेशन है एवरीथिंग इज़ गुड, लाइक ये जो प्राइस भी बहुत अच्छा है, और ये किधर गया प्राइस भी, लेट मी एडजस्ट वन मोर टाइम, आप लोगों ने मेरा पजामा देख लिया ना, ऑब्वियसली हम लोग लाइक ऊपर ऊपर मेकअप करते हैं, नीचे नीचे पजामा पहन के ही चल जाता है, हु विल वेयर दैट मच, सो ये दोनों जो प्रोडक्ट है मैंने बहुत ज़्यादा बकवास कर लिया, नाउ सिमरन मूव ऑन टू द टॉपिक, डोंट टॉक रविश, समझी, समझ गया, सो या सो मूव ऑन टू दिस टू प्रोडक्ट्स, सो ये प्रोडक्ट्स मैंने बहुत ज़्यादा लाइक एक्साइटेड होके, और इसका प्राइस भी बहुत कम है, आई थिंक मुझे ये 65 रुपीज़ में मिल गया था, नॉट दोनों का 65, और ये दोनों ही जैसे मैंने आपको स्वॉच भी अभी दिया, बहुत अच्छे से स्प्रेड होते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, बट इनमें एक ही प्रॉब्लम है, वो ये है, ये जितनी जल्दी लगता है उससे ज़्यादा जल्दी से हट जाता है, आप इसको पाउडर से सेट करो, किसी और चीज़ से सेट करो, ये कभी भी स्प्रेड लेकिन सेट नहीं होगा, इफ़ यू आर थिंकिंग दिस टू अप्लाई एज अ काजल, कभी मत करो, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं है, वो पूरा स्प्रेड हो जाता है, नीचे इस पोर्शन पे पूरा आ जाता है, यहाँ तक आ जाता है, लिटरली यहाँ तक आ जाता है, सो अगर आपको एज ए आई शेडो बेस लगाना है, या फिर आई शेडो में आपको लाइक शिमर पार्टिकल्स चाहिए, तो यू कैन गो विद दिस टू प्रोडक्ट्स, और हाँ इतना ही, और नेक्स्ट आई हैव दिस ब्यूटी ब्लेंडर, और मैं इस ब्यूटी ब्लेंडर का असली जो शक्ल है वो मैं पिक्चर में मेंशन कर दूंगी, क्योंकि ये उसका रियल शक्ल नहीं है, ये फाउंडेशन अभी लग कैसा हो गया है, एंड दिस इज लाइक बॉम,
पूरे पूरे वीडियो में दिस प्रोडक्ट इज लाइक बॉम्ब। दिस इज लाइक वेट, ये अभी लाइक ड्राई है, ये वेट नहीं है। और इसको वेट करने के बाद ये अपने साइज से डबल हो जाता है, बिल्कुल ऐसे हो जाता है। और ये बहुत अच्छे से लाइक अप्लाई होता है स्किन पे, बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा अच्छे से होता है। ये फाउंडेशन को बहुत अच्छे से लगाता है, अपने मेरे स्किन पे ब्लेंड करता है। इसका जो क्वालिटी है बहुत अच्छा है, ये प्रोडक्ट को सोक नहीं करता बिल्कुल भी, लाइक बिल्कुल नहीं, थोड़ा बहुत करता है, बट नॉट लाइक सारा प्रोडक्ट यही खा जाए तो मैं क्या लगाऊंगी, तो ऐसा नहीं है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं इसका लिंक ऑब्वियसली मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूंगी, सो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। ऑल्सो वीडियो एंड होता है, और आई थिंक ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे और मैं बोल बोल के थक गई हूँ, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। और ये वीडियो अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी, इफ यू आर लाइक व्हाट क्या मैं बोल रही हूँ, इफ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चन देन आप कमेंट में करके बताना, कमेंट करके बताना, मैं उसका आंसर दूंगी ऑब्वियसली। ऐसा कभी हुआ है कि आप लोगों ने कमेंट किया और मैंने जवाब नहीं दिया है? कभी नहीं, मतलब कभी नहीं क्या, मैं हमेशा देती हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ है। सो और ऑब्वियसली लाइक दुर्गा पूजा नवरात्रि आ रहा है एंड ये मंथ ही लाइक बाकी है, एंड यू नो एंड यू नो आई एम ए बंगाली, तो मेरा लाइक दुर्गा पूजा का जो भी है स्टार्ट हो गया है, बिजी शेड्यूल है मेरा कॉलेज एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन, बहुत कुछ है। तो मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलता है उसमें मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, और आई नो आप लोगों का भी रेगुलर वीडियोज़ नहीं मिल पा रहा है, सॉरी फॉर दैट, बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू फिल्म लाइक पहले से ही सम वीडियोज़ और उसके बाद मैं डालूँ, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता, इसीलिए सॉरी फॉर मी, सॉरी फॉर मी, आई एम फीलिंग सॉरी फॉर मी, एंड बेयर मी, यू पीपल बेयर मी विथ मी, और मैं बहुत ज़्यादा नाटक करती हूँ मुझे पता है। एंड या सो अगर आपको लाइक नवरात्रि में जो मैं बोलना चाहती हूँ वही मैंने नहीं बोला, अगर आपको नवरात्रि का लाइक फैशन वीडियोज चाहिए फिर हाँ, और एक बात मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं एक बंगाली लुक बुक करूँ, सो यू पीपल टेल मी इन्फॉर्मेंट कि मैं करूँ कि नहीं, लाइक दुर्गा पूजा आ रहा है, सो आई थॉट क्यों ना एक बंगाली लुक बुक किया जाए, सो आई एम थिंकिंग बट सी व्हाट विल हैपन। सो बस इतना ही, मैंने बहुत बकवास कर लिया, आप लोग बहुत ज़्यादा इरिटेट एंड बोर हो गए, सो या थैंक यू, बाय बाय, सी यू सून।